फाइन स्टूडेंट, तो देखो आज क्लास में हम लोग एज़ यूज़ुअल जो हम लोग करते हैं एडिटोरियल्स का डिस्कशन है ना, चार टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट वन देख लो स्टूडेंट, 289 है ना। अब राहुल गांधी को सजा हुआ था ना 2 साल के लिए, सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 आईपीसी का, जहां पे क्रिमिनल डिफेमेशन के बाद था, याद है ना। और इसके वजह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 8 क्लॉज 3 पे असर पड़ा और डिवाइड कर दिया गया 2+6 ईयर्स, लगभग 8 साल तक के लिए संन्यास स्टेज में भेजने का प्रयास था राहुल गांधी को। बट इस चीज़ के ऊपर स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्या आधार है? तो हमने तो बहुत पहले ही स्टूडेंट कह दिया कि ये टिक नहीं पाएगा। ये मैंने बहुत देखो, मेरा भी तुम एडिटोरियल खोल के देख लेना पहले वाला, मैंने बोला था कि ये सुप्रीम कोर्ट जाते जाते ये सब बिगड़ जाएगा। तो क्या लॉजिक है? देखो आप तो लॉ भी जानने लगे हैं ना, तुम लोग को पढ़ा पढ़ा कर पहले ही प्रिडिक्शन हो जाता है। दाम ही नहीं था उसमें, मैक्सिमम सजा 2 साल, आधोही साल दे दिया गया उसको। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि तुम एक दिन भी कम देता 1 साल 11 महीना और एक दिन कम देता तुम, तो फिर भी नहीं होता उसको। फिर भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन जो 8 क्लॉज 3 उस पर नहीं बैठता। तो क्या आधार था कि उसी के दिन, जिस दिन कन्विक्शन हुआ उसी के दिन आप उसके बाद आप 2 साल का दे दिए? इसके पीछे क्या लॉजिक है? ना ही सेशन कोर्ट का जजमेंट में ये चीज़ पाया गया और ना ही हाई कोर्ट के जज, गुजरात का हाई कोर्ट में ये पाया गया, खारिज कर दिया। अब क्या है उसमें? सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐतिहासिक फैसला पहले भी सुनाया है तो देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल है स्टूडेंट। उसका 290 देखो, ज्ञान वापी मस्क है ना, अभी सर्वे हो रहा है समझे। अब इलाहाबाद बेंच के पास गया था ना ये मामला, इलाहाबाद ने भी बोला कि ठीक है ऐसा ही सर्वे होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो क्रिटिक्स है वो कहते कि यदि इस तरह का दरवाज़ा खोलोगे तो कहाँ तक पहुँचेगा ये बात। सही बात है, क्योंस मच जाएगा ना, वो व्यू पॉइंट भी सही है। देखना चलो, हिंदू का ये मंदिर है, जो भी है मंदिर है, मस्क है कम्बिनेशन में, पहले काशी विश्वनाथ था वो जगह पे, बहुत बड़ा मंदिर था, उसका परिसर को तोड़ के फिर बनाया गया, औरंगजेब ने बनाया था ये मस्क। तो अभी यदि पाया जाए कि चलो हिंदू का भी है उसमें, तो ये मामला तो बहुत आगे जटिल हो जाएगा ऐसे में। तो वही उसको क्रिटिसाइज किया गया है, तो मगर बैलेंस समझ जाओगे, अच्छे समझ जाओगे ये चीज़। 291 देखो, अच्छा रेट्रोस्पेक्टिव मेजर है कि नहीं है बताओ, तो ये है ना रेट्रोग्रेड स्टेप है कि नहीं बताओ। लैपटॉप पीसी टैबलेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आईटी आपका आईटी एलिमेंट्स है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एलिमेंट्स है ये। आज इस हिसाब से लोगों का इच्छा आकांक्षा बढ़ रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो लैपटॉप पीसी टैबलेट तो चाहिए ही चाहिए। अब इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो ऑथर लिख रहे हैं वो बोले कि ये बहुत ही रेट्रोग्रेड स्टेप है, यानी कि बहुत ही बैकवर्ड स्टेप है, इस तरह नहीं करना चाहिए, इसका तरीका दूसरा हो सकता था। एंड लास्ट वन देखो, जो कि अभी बना हुआ है बहुत चर्चित है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो अब आया, उस समय जब आया था तो हम लोग न्यूज़पेपर के सोर्स से पढ़े थे, अब ये रियल वाला है। तो रियल में क्या है और जो न्यूज़पेपर वाला पढ़े थे उसमें अंतर? हाँ, एक बार ये एक्ट बन जाएगा तो फिर पढ़ोगे एक बार, तो इस बार ना बहुत कुछ सीख लोगे ड्यूरिंग द स्टेज। ठीक, इसका फीचर और क्या क्या कंसर्न है वो समझेंगे। ठीक है, वही श्री कृष्णा कमिटी डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। चलो आगे बढ़ते, GS 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, देखो डायरेक्ट अटैक कर दिया गया है सिलेबस। हिंदू पेपर, ये 7 अगस्त को आया था स्टूडेंट, देखो कितना हाल फिलहाल का चीज़ है ये, है ना, अभी जस्ट हाल फिलहाल में ही लगा है ना। तो क्रोनोलॉजी समझो स्टूडेंट, हाँ सेकेंड पेज जाओ तो क्रोनोलॉजी, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द केस समझो, तब उसके बाद फर्स्ट पेज बताएंगे हिस्ट्री केस क्या है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक रिमार्क दिया था है ना, जब कर्नाटका में उनका रैली हो रहा था कोलार में, तो उन्होंने एक रिमार्क दिया था समझे। और जो रिमार्क दिया था उसमें क्या बोला था कि जो मोदी सरनेम जो होते हैं, यानी कि जो मोदी जो होते हैं सब चोर मोदी क्यों होते हैं, ऐसा कुछ था स्टेटमेंट। ठीक है नीचे, हाँ इस तरह का स्टेटमेंट था कि सब चोर मोदी क्यों होते हैं। और ये बहुत बड़ा डेरोगेटरी स्पीच है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर दिक्कत हुआ, गुजरात का जो MLA है, सूरत का MLA, जो सूरत से आता है MLA, उसने जाके तुम्हारा कर दिया डिफेमेशन केस, वो भी क्रिमिनल डिफेमेशन केस किया है स्टूडेंट, बात समझे, अंडर योर सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 ऑफ IPC। ठीक है, जहाँ पर डिफेमेशन का बात था,
उसका देखो सूरत कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरत कोर्ट नहीं हाई गुजरात हाई कोर्ट नहीं है सेशन कोर्ट का है वो, ठीक है सेशन कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जानते हो, सेशन कोर्ट क्रिमिनल के लिए होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तुम्हारा उसके लिए होता है सिविल के लिए होता है ना। तो कह सकते हो सेशन कोर्ट क्रिमिनल डिफेमेशन का बात है इसमें, तो सूरत कोर्ट ने 2 साल का सजा सुना दिया उसको, जो कि एक मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि 2 साल सबसे ज़्यादा होता है सजा क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए, और राहुल गांधी को ठीक 2 साल का सुनाया गया, बात समझ गए। उसके बाद उसको बेल मिल गया, बेल मिल ही जाता है स्टूडेंट, उसको बेल मिल गया और ये मामला गया हायर कोर्ट में। और उसका देखो हायर कोर्ट में भी क्या हुआ, गुजरात हाई कोर्ट ने ही बोला कि जो भी सेशन कोर्ट ने सुना है वो सही है, तो फिर वे ऑफ अपील के रूप में गया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। अब जैसे ही गुजरात हाई कोर्ट ने ओके बोल दिया तो हड़बड़ी में जानते हो क्या हुआ पार्लियामेंट में, जो लोकसभा के जो सेक्रेटेरिएट है उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया राहुल गांधी को। अब बोला कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लग गया, आपका इन्वोक हो गया। सेक्शन 8 क्लाउज 3 क्या है, यदि किसी को भी सजा हो जाए 2 साल के लिए, बात समझो अच्छे से, 2 साल के लिए सजा हो जाए तो वो तो सजा तो काटेगा ही काटेगा, उसके बाद 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। और ये धारा तुम्हारा लालू प्रसाद के ऊपर भी लगा हुआ है, बात समझे ना। तो एक तरह से उसको संन्यास देने का प्रयास था राहुल गांधी को। अब सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का जजमेंट जहाँ पे स्टे लगा दे कि नहीं ठहरो 2 साल नहीं लग सकता है, तो फिर रीबैक हो गया और राहुल गांधी देखो इस बार मानसून सेशन में दिए हैं अपना बढ़िया स्पीच। इतना भी नहीं करना चाहिए, एक हद ही तक ठीक रहता है ना। आदमी को डायरेक्ट नहीं पता चलना चाहिए कि राजनीति हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है। इतना भी नहीं होना चाहिए ना कि अपोजिशन को आप जेल में डाल दो, ये तो इंदिरा गांधी का टाइम का बात हो गया ना, और सदस्यता रद्द कर दो। डेमोक्रेसी कहेगा फिर डेमोक्रेसी का मर्यादा भी तो रखना है हमें, बात समझे स्टूडेंट। हाँ आप फर्स्ट पेज आप देख लो, अब फर्स्ट पेज समझ में आ जाएगा। तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, उसको फिर से रीइंस्टेट कर दिया गया कि ठीक है आप जा सकते हो और हम खारिज करते हैं, वो स्टे लगा दिए हम, ठीक है। तो देखो अब हो गया, रिवोक कर दिया गया 7 को है ना, और लोकसभा सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन के बाद वो हो गया तुम्हारा, जैसे ही जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वो रीइंस्टॉल हो गया फिर, तो ना कहने का मतलब ये है। और देखो 4 अगस्त को स्टे लगवाया था इन्होंने, क्योंकि राहुल गांधी वही बोला, राहुल गांधी ने जो कोलार कर्नाटक में बोला था ना उसने, क्योंकि सब जो थीप्स होते हैं उनका मोदी सरनेम क्यों होता है, तो इसी को लेकर तुम्हारा जो सूरत का जो MLA है यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तुम्हारा गुजरात का, वो सूरत से जो जाते हैं वहाँ पर, उसने फाइल कर दिया। आगे देखो तो नाउ द सुप्रीम कोर्ट, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टे लगवाया, इसके पीछे आधार क्या है, बढ़िया समझना है स्टूडेंट, इसमें टेक्निकलिटी लीगलिटी देखना है, बात समझे। तो 3 जज बेंच का बैठा था सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा था 3 जज का, और उसमें गुजरात ट्रायल जज है ना, गुजरात का सभी चीज़ देख रहे थे और भी देख रहे थे कि ये क्या क्या हुआ है नहीं हुआ, 2 साल का जो सजा दिया है उसको देख रहे थे, बेंच संभाल रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टूडेंट कि ठीक है सेशन कोर्ट ने जो सुनाया उसमें भी तथ्य नहीं है, और ना ही गुजरात हाई कोर्ट ने अपना 120 पेज का जो जजमेंट सुनाया है उसमें तो कहीं पे ये बात ही नहीं है कि क्या पीछे आधार है, क्या पीछे रीजन है कि इसको 2 साल के लिए आप जेल में डाले हो, 2 साल के लिए इसको पनिशमेंट दी हो, इसके पीछे कोई रीजन ही नहीं है। 120 पेज को पढ़ा गया ठीक से सेशन, क्योंकि एक्लब्ड किया जाता है ना कहाँ कहाँ से केसेस हुआ है, तो उधर सेशन कोर्ट का भी देखा गया, गुजरात हाई कोर्ट का भी देखा गया। अब बोला है ठीक है इतना बड़ा 120 पेज अपने जगह पे है, मैं कहीं पे भी क्लियर कट बात नहीं है कि क्यों दिया गया 2 साल ही, 2 साल क्या आधार है, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट तो 2 साल ही हो सकता है, आ कैसे 2 साल ही हो गया इनको, अरे भाई 1.5 साल भी तो हो सकता था, 1 साल 11 महीना भी तो हो सकता था, और उसी दिन से 2 साल, जिस दिन से पाया गया दोषी उसी दिन से 2 साल, समझ रहे बहुत बड़ा बात है कि नहीं। तो डायरेक्ट आपका पॉलिटिकल वेंडेटा दिखता है यहाँ पे, आर यू गेटिंग मी, समझ रहे हो स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे वही बोला कि वो जो रीजन जो होना चाहिए कि गांधी आपने राहुल गांधी को आपने मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर्स के दिया, वो रीजन मिसिंग है 120 पेज में गुजरात हाई कोर्ट का। और कोर्ट ने कहा है कि देखो आप डिस्क्वालीफाई हो बेचारा, अब 8 साल के लिए गया, 2 साल ये प्लस 6 ईयर्स ये, 8 साल के लिए आप सदस्यता रद्द कर दिए बिकॉज ऑफ 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स आपने मैक्सिमम दे दिया तो आपने तो खत्म कर दिया एक पार्लियामेंटेरियन को, गलत बात है ये, ठीक है। देखो इसमें क्या है, देखो ये रिमार्क इन्होंने दिया है, यदि 1 दिन भी कम होता सेंटेंस स्टूडेंट तो उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वो नहीं लगता,
कि उसमें मिनिमम 2 ईयर्स का बताया गया है, तो संदेह तो होगा ना सुप्रीम कोर्ट को भी। हाँ आगे देखो तो रिमार्क क्या है, हाँ ये भी है, एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भी फटकारा है, ऐसा नहीं कि नहीं फटकारा है, बोला कि जो आपका रिमार्क है ना कि सब चोर जो मोदी सरनेम होते हैं, ये भी गुड टेस्ट में नहीं है, ये नहीं है, आप पब्लिक फिगर हो, मर्यादा है आपका बोलने का, आपको सही तरीके से बोलना चाहिए, तो इस पर भी ठीक किया है, ऐसा नहीं कि इनको नहीं छोड़ा गया। देखो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था इसने कहा है कि देखो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ इसका असर केवल इंडिविजुअल पे ही नहीं पड़ेगा, देखो राहुल गांधी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मगर जो बेचारा राहुल गांधी को जो चुन के भेजा बेमनाट वाला केरल का, केरल से आते हैं ना चुन के वो, तो उसका क्या होगा पीपल का, क्योंकि पीपल का एस्पिरेशन वो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट में, उसका क्या होगा फिर, केवल यहाँ इंडिविजुअल लिबर्टी का बात नहीं है, इंडिविजुअल फ्रीडम का बात नहीं है, जो लोग चुन के भेजे थे उसको एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, उसका क्या होगा फिर, ये तो अंडर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा फिर, आर यू गेटिंग मी, तो ये सवाल है, इसका रेमिफिकेशन बहुत दूर तक पहुंचेगा, है ना। अब इस तरह वही बोला कि इट इज़ अ नॉट अ फैक्टर डेट अ इंटायर, अब इसका सजा पूरा इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी झेले, ये भी तो सही नहीं है, ठीक है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए पॉलिटिक्स में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी का जो रिमार्क है वो गुड टेस्ट में नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा पब्लिक फिगर है, पब्लिक फिगर है तो बहुत ही सोच समझ के पब्लिक स्पीच देना होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इधर भी फटकारा है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि इसको भी छोड़ा नहीं है। आगे देखो ये समझो इंपॉर्टेंट कि राइट टू रीजन, देखो आप देखो नया चीज़ आया ना, एक डॉक्ट्रिन है ये भी, अब कोई भी आप एक जजमेंट सुना रहे हो, जैसे सेशन कोर्ट ने सुनाया, चलो सेशन कोर्ट हम समझेंगे नीचे है तो उसको तो करेक्ट कर देता है गुजरात हाई कोर्ट, वो तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो बोला कि कोई भी आप जजमेंट सुनाओ वो जजमेंट के पीछे आधार होना चाहिए, राइट टू रीजन होना चाहिए, खाली 120 का इतना इतना बड़ा बड़ा पेज का आप सुना दिए हो इसका मतलब कोई काम का नहीं है, वो राइट टू रीजन तो आपने दिया ही नहीं, क्यों, वाई 2 ईयर्स, सवाल ये है, 2 ही साल क्यों, 1.5 साल क्यों नहीं, सवाल ये है सबसे बड़ा सवाल, समझे। तो वही बोला है कि जो राइट टू रीजन है वो इंडिस्पेंसिबल पार्ट है कोई भी साउंड जुडिशियल सिस्टम के लिए, इसी को किसी को तुम कारावास दे रहे हो तो उसके पीछे आधार ना होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम स्टे लगवा रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर, हाँ 2 साल के लिए, क्योंकि आप 2 ही साल क्यों लगाए हो और इसके पीछे आपका कोई आधार नहीं है, जो बात है, समझे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ना ही ट्रायल जज यानी कि सेशन जज, समझे, और ना ही गुजरात हाई कोर्ट ये बता नहीं पाया, अपना रीज़न, पर्टिकुलर रीज़न नहीं दे पाया है जिसके वजह से वो 2 साल इसके ऊपर लगे, मुकदमा लगे 2 साल का, समझ गए ना। सुप्रीम कोर्ट ने देखो यही बोला है कि राइट टू रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है साउंड जुडिशियल सिस्टम के लिए, ठीक है, आप उसको इतना 7 साल दे रहे हो, 5 साल, कोई भी सजा, 1 साल 1.5 साल 2 साल, इसके पीछे आधार होना चाहिए, इतना ही क्यों उसको सजा दिया जा रहा है, आप कहीं नहीं मेंशन है आपका ये, समझे। इसलिए बोला है जजेस को बोला है कि आपका जो डिसीजन है, आपका जो जजमेंट है ना, उसके पहले आपका दिमाग बहुत अच्छे से यूज़ होना चाहिए और रैशनल अप्रोच होना चाहिए, पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में नहीं जजमेंट होना चाहिए। तो कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से एक लैंडमार्क डिसीजन है ये भी, है ना, देखते हो कितना बढ़िया सुप्रीम कोर्ट गया है। और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पहली बार बोल रहा है ये चीज़, इससे पहले भी 3 केसेस हो चुके हैं और नंबरस केसेस है, यहाँ पे तुम्हारा 812 में 3 केसेस बताया है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा है कि किसी को भी सेंटेंस दो कितना भी साल के, उसके पीछे आधार होना चाहिए, राइट टू रीजन होना चाहिए। देखो यहाँ पे एसएन मुखर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, देखो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नेचुरल जस्टिस का जो रूल होता है इसलिए होता है कि जस्टिस और जस्टिस ठीक से डिलीवर किया जा सके, सब लोग को जस्टिस मिल सके, डैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब जस्टिस मिल सके, जस्टिस मिले उसके पीछे रीजन होना चाहिए ना, बात समझे। इसमें बोला गया कि नेचुरल जस्टिस ऐसे नहीं आएगा, उसमें आपको रीजन रिकॉर्डेड देना होगा, क्या रीजन है जिसके वजह से आप उसको जेल भेज रहे हो, ठीक है, ये स्टेट किया गया था उस समय, इसलिए लिखा गया स्टूडेंट रिक्वायरमेंट टू रिकॉर्ड रीजन, यही तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, इस जजमेंट में सुनाया गया था एसएन मुखर्जी केस में। दूसरा भी केस देख लो, संत लाल गुप्ता एंड अदर वर्सेस मॉडर्न कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, इतना याद नहीं रहेगा, बोलना डिफरेंट डिफरेंट केसेस इंक्लूडिंग योर एसएन मुखर्जी केस। इसमें भी सेम ही सुना है सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू रीजन होना चाहिए, आप कंक्लूसिव आप पहुँच कंक्लूजन दे रहे हो तो उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए, समझे। ये ड्यूटी है कोर्ट का, जब कोई भी केस को वो डिस्पोज करे तो रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई रीजन वाला रिकॉर्ड होना चाहिए, आधार होना चाहिए पीछे, समझे ना स्टूडेंट। एंड लास्ट केस देखो, इसमें दिखाया गया है 1993 में हुआ था कृष्ण स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें भी सेम ही बात को रखा गया है,
बात समझे, हाउ द माइंड ऑफ मेकर वर्ड्स एक्टिवेटेड एंड एक्यूटेड एंड देयर रैशनल नेक्सस एंड सिंथेसिस विद द फैक्ट्स कंसीडर्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड। इसमें वही बोला गया कि आपका जो ऑर्डर होना चाहिए वो रीजन होना चाहिए, अनरीजन नहीं होना चाहिए। और एट द सेम टाइम यदि आप गलत तरीके से लोगों को सेंटेंस दोगे तो इसका असर तुम्हारा जो लिबर्टी है, इंडिविजुअल का लिबर्टी, उस पर फर्क पड़ेगा। आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा, क्योंकि आर्टिकल 21 में बताया गया है स्टूडेंट की सबको जीने का अधिकार है। सही बात है कि नहीं है? एट द सेम टाइम इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसका वायलेशन होगा, है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ किसका, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 14, है ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझे। आर्टिकल 21 का बात करें या आर्टिकल 14 का बात करें, ये दोनों को अपहेल्ड करना है तो राइट टू रीजन होना चाहिए आपके जजमेंट के पीछे, जो कि आपका नहीं है, इसलिए हम स्टे लगवा रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? और रेफरेंस क्या है, पीछे का 3 जजमेंट है, याद करने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द जजमेंट कहोगे तो बात खत्म हो जाएगा, इतना डिटेल में नहीं जाना है, भूल जाओगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला सुनाया था ऐसा कुछ। आगे देखो, कंट्रोवर्सी, जीएस पेपर 2, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा 5 अगस्त को आया था स्टूडेंट, हिंदू पेपर में। अब यहाँ पे देखो क्या कंट्रोवर्सी है ज्ञानवापी मस्क को लेकर। अब बढ़िया समझना बाबू, इसका पक्ष है काउंटर पक्ष भी है, ठीक है। डिबेट, डिबेट इसको बोलते हैं, डिबेट। देखो क्या डिबेट, जो ज्ञानवापी मस्जिद है, अभी जो लोकेशन है, प्रेजेंट लोकेशन बहुत ही नज़दीक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वाराणसी का, तुम गए थे ना, बहुत नज़दीक है, उसी के परिसर में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है बहुत नज़दीक में। कई लोगों को लगता है कि देखो काशी विश्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि बहुत मल्टीपल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, फिर टूटा, फिर बना, टूटा, रिनोवेट हुआ है विद पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि 2000 साल पहले बना था काशी विश्वनाथ टेम्पल, समझे ना, तो बहुत रिनोवेट हुआ है। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ ओल्डर जो पोर्शन थे, ओल्डर वर्जन था टेम्पल का, उसी को तोड़ के ज्ञानवापी मस्क वहाँ पर बनाया गया। कहने का मतलब क्या है कि काशी विश्वनाथ का जो एरिया था उसी को तोड़ के वहाँ बनाया गया है, हाँ, कई स्टूडेंट का ये मानना है, समझे। और वो बिल्कुल औरंगजेब को जाता है, औरंगजेब ने ही बिल्ड किया था यहाँ पे 17 सेंचुरी में टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके। हाँ, कई लोग ये भी बोलते हैं कि ओल्ड विश्वनाथ टेम्पल को तोड़ के बनाया गया, कंप्लीट ओल्ड विश्वनाथ टेम्पल को तोड़ के बनाया गया, फिर विश्वनाथ टेम्पल दूसरी जगह बना, समझे। कई लोग कहते हैं, देखो दो मत आया ना स्टूडेंट, दो मत कैसे आया, बोलते कि जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसका रिकंस्ट्रक्शन बहुत बार हुआ है, तो कुछ परिसर में बना है। और कई लोग बोलते कि नहीं, काशी विश्वनाथ टेम्पल को ही तोड़ के बना है। मैं जो भी हो, काशी विश्वनाथ टेम्पल का जिक्र तो आ रहा है इसमें, बात समझे ना। आगे देखो, आखिर ये जो है ये फर्स्ट, हाँ, ये कब आया था केस, 1991 में केस आया था ये, समझे। ये ज्ञानवापी मस्क देखो नया चीज़ नहीं है स्टूडेंट, ये पहले भी हो चुका है लिटिगेशन इस पर। तो ये 1991 में ये मुद्दा गया था, अभी भले ही ज़्यादा हाईलाइट मिल गया होगा इसको, मैं उस समय 1991 में भी आया था। तो 1991 में आया था तो क्या बोला गया था कि मस्क का जो स्टेटस है वो ख़त्म करो और ये हिंदू कम्युनिटी को दे दो, ये जो है ये ज्ञानवापी मस्क है वो हमारा है, हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर का है, ये हमको मिलना चाहिए, जो हिंदू पिटिशनर जो लोग थे, है ना। तो इसने कहा कि देखिए, और इसने क्या क्लेम किया था कि ये जो महाराजा विक्रमादित्य ने बनाया था 2000 साल पहले, समझे स्टूडेंट, 2000 साल तो हमारा हिंदू का है ये, और मस्क तो 1664 में बना है तोड़ के, मंदिर का परिसर को या मंदिर का कुछ हिस्सा को तोड़ के बनाया हो तो औरंगजेब बनाया, कहाँ 2000 साल पहले का हमारा ये टेम्पल, और कहाँ 1664 में बनाया है, तो हम डिजर्व करते हैं उस चीज़ को, बात समझे। तो वही और पिटिशनर ने ये भी बोला कि जो ज्ञानवापी मस्क बना है तुम्हारा, वही जो टेम्पल जो बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था एरिया में, उसी के ऊपर बना है, इसलिए बहुत सारा मलबा दबा हुआ भी है टेम्पल का नीचे, और ऐसा साक्ष्य पाया भी गया है। आर्कोलॉजिकल सर्वे इस बार जो न्यूज़ में बहुत अभी हल्ला चल रहा है, उसमें बहुत सारा चीज़ साक्ष्य पाया गया हिंदू का, समझ में आ रहा है ना। देखो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा जूम करो इसको, अब केस हुआ क्या था, देखो अगस्त 2021 में स्टूडेंट वो जो फिगर दिया गया उसका समझो कि जो महिलाएं प्लेंटिस थे, महिला लोग जो ले गए अपना अर्जी ले गए, उन्होंने क्या बोला, वही बनारस का जो लोकल कोर्ट है वहाँ पे गई और उन्होंने कहा है कि जो श्रृंगार गौड़ी, श्रृंगार गौड़ी टेम्प वो है मूर्ति है वहाँ पे, श्रृंगार गौड़ी, गौड़ी मतलब पार्वती जी, ठीक है, और भी डिटीज है वहाँ पे, जैसे हनुमान जी का भी है और भी फोटो है, कि ये पूजने के लिए दिया जाए हमारा, ठीक है, ये तुम्हारा 2021 का बात था, अगस्त 21 का बात था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट,
हाँ डिस्ट्रिक्ट, इसने बोला कि ठीक है हम पूछने दे देते हैं, अब दे दिया ब्रैकेट खोल दिया। तो कह सकते हो कि कई लोग बोलते हैं कि ये मोटिवेटेड जजमेंट है, आई मीन इस तरह ब्रैकेट नहीं खोलना चाहिए था आपको। अब एक बार दे दिए तो अब पूछने आ रहा है, फिर कल के दिन में क्लेम करेगा कि मंदिर है हमारा, मतलब ऑथर क्रिटिक्स के हिसाब समझो, समझे। तो ये जो श्रृंगार गौरी को पूजा करने का जो दे दिया उसने ना अगस्त 2021 में, और एट द सेम टाइम ये भी बोला कि जो 1991 का जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट है, उसमें प्रोविजन है कि जो भी स्टेटस 1947 से पहले जो भी स्टेटस था, कोई हिंद टेम्पल जैसे जानते हो नहीं, भारत में तो बहुत ही हिस्टोरिकल रॉन्ग डूइंग्स हुआ है, गलत गलत चीज़ हुआ है, अभी उसको करेक्ट करेंगे तो फिर तो दंगा हुआ हो जाएगा, जो हो गया सो हो गया। तो उसके लिए एक एक्ट बना था बच्चे लोग 1990, हाँ उस एक्ट का एक्सेप्शनल भी है कि बहुत जगह पर लागू नहीं होगा वो, 1947 से पहले जो भी कैरेक्टर था वही कैरेक्टर मेंटेन रहेगा, आज़ादी के बाद जो कैरेक्टर, जैसे एक टेंपल टेंपल है, एक मस्क मस्क है, तो वो उसी तरह मेंटेन होना चाहिए। जब ये चीज़ रामा, अभी जो हमारा सदगुरु जो है, जगतगुरु जानते हो ना, जो अंधे हैं जगतगुरु जानते हो ना, जब उनको कहा गया कि कैसे ज्ञान भावी मस्क कैसे बन सकता है टेंपल, तो बोला कि वो एक्ट ही तो है, वो बदला जा सकता है, पार्लियामेंट कुछ भी कर, संविधान को बदला जा सकता है, तो एक्ट क्यों नहीं बदला जा सकता। बहुत ही खतरनाक बात किया है उन्होंने। तो सब जो दलील दिया जा रहा है कि 1991 का जो एक्ट बना था इसलिए कि जो भी हिंदू टेंपल है वो ऐसे ही रहे, जो मुस्लिम का जो मस्क है वैसे ही रहे, तो इस पर जब टीका टिप्पणी किया गया तो उनका बयान इस तरह का आया था। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना, ये जैसे हम न्यूज़ में देखे थे इसलिए ऐड कर दिए इसमें। तो यहाँ पे समझो हुआ क्या, अब जो वाराणसी कोर्ट है, बनारस का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने कह दिया कि चलो साइंटिफिक सर्वे करवा सकते हो ज्ञान भावी मस्क का, जो हुआ है जुलाई 21 को ऑर्डर कर दिया कि कंडक्ट करवा सकते हो। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का टीम वहाँ पहुँचा है ना, हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि आप ठीक है कर लो, ज्ञान भावी स्ट्रक्चर देख लो, पहले का स्ट्रक्चर क्या था नहीं था, वहाँ पर हिंदू टेम्पल था नहीं था, जाकर चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो साइंटिफिक सर्वे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ वहाँ पर है ना, बढ़िया से अच्छे से हुआ। देखो और ये जो हुआ है ना, ये बिना तोड़े हुए मस्क एज इट इज़ रहे, मस्क को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए है ना, ये एक्सकवेशन नहीं है, खुदाई नहीं है बच्चे लोग, जैसे स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, जो भी साक्ष्य मिलेगा उसको सब किया जाएगा, नहीं तो क्या होगा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जाती तो एक्सकवेशन वगैरह भी करती, उड़ा देती है, वो नहीं करना है, मस्क एज इट इज़ रहे, जो भी साक्ष्य आपको मिलता है उस चीज़ को लेके आना है, ठीक है, ये प्रपोजल था। और उसके बाद अलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है कि जो लोअर कोर्ट ने कहा है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आर्कोलॉजिकल सर्वे वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो शुरू हो गया आर्कोलॉजिकल सर्वे। अब यहाँ पे 1991 का एक्ट देखो, इसी को बोलते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। इसमें क्या बताया गया, जो मैंने तुमको कहा है कि 15 अगस्त 1947 यानी कि जिस दिन भारत आज़ाद हुआ, तब तक जो भी स्थिति था मंदिर का और जो भी स्थिति था गिरजाघर का या मस्क का, वो सेमी स्थिति होना चाहिए 1947 के बाद में, अरे दंगा हो जाएगा। अरे 1947 में जैसे देखो एग्जांपल, 1947 में विवाद तो होगा उस समय भी, इनफैक्ट देखो अयोध्या का जो रामलला का जो उस समय भी लिटिगेशन में ही था 1947 में भी, तो उसको एक्सेप्शनल कर दिया गया क्योंकि जो अब कोर्ट में लंबित है तो उस पर यह नियम नहीं लग सकता क्योंकि सुनवाई हो ही रहा था, वो फाइनली आकर मोदी जी ठीक किए हैं, तो बहुत लंबा संघर्ष है अयोध्या का भी। अरे गेटिंग में समझ रहे हो ना, तो जो 1991 का जो एक्ट बना है ये एक्ट है कि 15 अगस्त 1947 तक जो कैरेक्टर था हिंदू टेंपल का और मस्क का, वो एज इट इज़ मेंटेन रहे आज़ादी के बाद भी, इसलिए बनाया गया था। हाँ कुछ कुछ एक्सेप्शनल होगा, अयोध्या का मंदिर एक्सेप्शनल क्योंकि उस समय उसका कार्रवाई हो रहा था, सुनवाई हो रहा था कोर्ट में, होप सो समझ में आ गया होगा। तो देखो वही लिखा गया कि अयोध्या को अलग रखा गया, ठीक है, क्योंकि वो लिटिगेशन था उस समय हो रहा था। हाँ इसमें वही सब चीज़ बताया गया स्टूडेंट। हाँ बहुत सारे साइट्स को अलग भी रखा गया, जैसे एग्जाम्पल देखो एंशियन और हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, जो हमारा नेशनल हेरिटेज साइट्स है ना, ताजमहल ये सब, इसको इस व्यू से अलग रखा गया है, ठीक है, ये एक्ट में नहीं रखा गया, और कुछ कुछ चीज़ को भी अलग रखा गया, कुछ कुछ एक्सेप्शनल होता है उसको रखा गया है। आगे देखो तो जो क्रिटिक्स कहते हैं कि इस तरह का जो लिटिगेशन है वो मोटिवेटेड लिटिगेशन है। तो मोटिवेटेड लिटिगेशन का मतलब है कि देखो अब जब महिला अगस्त 2021 में गई तो महिला को मिल गया कि आप माता पार्वती को गौरी उनका पूजा कर सकते हो, आस्ते आस्ते क्या हुआ, आस्ते आस्ते अब हिंदू क्लेम करने लगा उस पर, तो इस तरह का लिटिगेशन को एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था कोर्ट को, ये भी पक्ष सही है। देखो वही बोला है कि कोर्ट को ना, बिल्कुल कोर्ट को ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जैसे माँ श्री श्रृंगार गौरी का दे दिया उसने,
राइट टू वर्शिप दे दिया, और ये भी बोल दिया कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि हम टेंपल थोड़ी मस्क थोड़ी चेंज कर रहे हैं। मस्क चेंज करोगे तब ना 1991 का आएगा। यहाँ तो मस्क में बोला जा रहा है कि चूँकि देवी देवता पाए गए तो जाकर पूजा कर सकते हो, एट द सेम टाइम नमाज भी अपना चलेगा उधर। तो कैरेक्टर नहीं चेंज कर रहे, वो मस्क ही है। मैं चूँकि वहाँ पे दीवार में भगवान का फोटो पाया गया तो वर्शिप कर सकती है महिला लोग, बात समझे। बट क्रिटिक्स कहते हैं कि ये मोटिवेटेड क्या है, लिटिगेशन है। अब देखो वहाँ पे आया है ना, और उसके बाद देखो वही बोला कि द प्ली फॉर अ सर्वे एंड द इंटेंट टू रेकअप द क्वेश्चन ऑफ एन अर्लियर स्ट्रक्चर अंडर द मस्क इंडिकेटर डिजाइन टू क्रिएट कंडीशन। देखो इस तरह जो हुआ है इसका मतलब स्टेटस चेंज करने का बात है, कि पहले आपने महिला लोग को बोला, फिर इच्छा और आकांक्षा बढ़ेगा हिंदू का, इस हिसाब से स्टेटस चेंज हो सकता है। जब स्टेटस चेंज होगा तो 1991 का जो एक्ट है उसमें वायलेशन आएगा, बात समझे। तो कोर्ट को इस तरह का इंकरेज नहीं करना चाहिए, जबकि कोर्ट ने इंकरेज किया इस तरह का मोटिवेटेड लिटिगेशन को, ठीक है। और यदि इस तरह रहा तो आगे तो बहुत ही गलत रास्ता चला जाएगा ये फिर। और लेट से एक एग्जाम्पल समझते हैं, लेट से ये प्रूव हो गया कि हिंदू का वहाँ पर था, और प्रूव हो ही जाएगा वहाँ पर बहुत कुछ निकला है, तब क्या होगा, आगे का रास्ता क्या होगा, दंगा उंगा हो जाएगा यार, बात समझो ना। एक तो ऐसे मेरठ का मौलाना ने कुछ कुछ बोल दिया था, बयान दे दिया था ना, कि जैसे ज्ञान वापी में हुआ है वो होने नहीं देंगे यहाँ पे, नहीं है अभी। जिस दिन एएसआई गया था सर्वे करने के लिए ना, उसी दिन मेरठ के मस्क में जो मौलाना साहब है उसने बयान दिया था कि जो उस मस्क में हो रहा है इस मस्क में हम होने नहीं देंगे। तो बात समझ रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम का फिर तनाव हो जाएगा, ये डेंजरस चीज़ है। एक तो ऐसे ही देश में जो माहौल बना हुआ है जान ही रहे हो तुम, और इलेक्शन भी पास में है, और जिस हिसाब से हरियाणा में दंगा हुआ है, तो सही नहीं है ये चीज़, ठीक है। उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो देखो 291 GS 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था स्टूडेंट, आगे देखते हैं। देखो अब ये जो स्टेप लिया गया है, लैपटॉप पीसी टैबलेट या सर्वर जो भी तुम्हारा आईटी से रिलेटेड तुम्हारा प्रोडक्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट करने का बात है। अब देखो गलत है ना ये, लोगों का इच्छा और आकांक्षा तो बढ़ेगा ही, आईटी सेक्टर कितना फ्लरिश कर गया इंडिया में। अब इसको अचानक इस तरह बैन करना, और बोला है कि जो भी यहाँ पे बेचेगा तो वो भी लाइसेंस उसको भी लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो कई क्रिटिक्स कहते हैं कि तो 1980s वाला हालत हो गया कि लाइसेंस उसको लेना पड़ेगा, ये तो वही ओपन लाइसेंसिंग राज हो जाएगा, वही परमिट लाइसेंसिंग राज हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। इकोनॉमी के लिए लाइसेंसिंग राज सही नहीं है ना, इसी के लिए तो हम ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन लाए थे, LPG लाए थे, ताकि इकोनॉमी पूरी तरह खुल जाए। और अभी देखो अभी सरकार का क्या है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के चक्कर में क्या हो रहा है कि इम्पोर्ट कवर ज़्यादा लगाया जा रहा है ताकि बाहर का सामान अंदर नहीं आ सके और हम डोमेस्टिक थ्रस्ट दे सके। पर सबसे बड़ी बात है कि इसमें यदि ऐसा करेंगे तो नुकसान हमारा खुद का ही है, और उसका एक एग्जांपल दिया गया, इस स्मार्ट टीवी का एग्जांपल दिया गया, तो समझोगे थोड़ी देर में। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है स्टूडेंट लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर ये सभी जो चीज़ है, ठीक है, इसको यदि करना है यहाँ पर बेचना है तो आपको लाइसेंस लेना होगा ताकि रिस्ट्रिक्शन हो। अब देखो इस तरह का जो लाइसेंसेस है ये सब तुम्हारा नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर है, नॉन टैरिफ समझ रहे हो, इस पर टैरिफ नहीं लगा, टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, बट यहाँ पे लाइसेंस लगाया जा रहा है ताकि रुकावट आ जाए, ट्रेड में रुकावट आ जाए, समझ रहे हो ना, ट्रेड में रुकावट आ जाएगा इससे, और जो कि अच्छी बात नहीं है। अब आपको लाइसेंस लेना है, आपको परमिशन लेना है, तो DGFT के अंदर आपको परमिशन लेना होगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है बताओ तो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उस मिनिस्ट्री के अंदर एक संस्था है, एक डिपार्टमेंट है कह सकते हो। अब इससे जाकर तुमको परमिशन लेना होगा, इससे जाकर परमिट लेना होगा, तब जाकर बच्चे लोग यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, बेच सकते हो वो सभी चीज़, या फिर तुम बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हो। आर यू गेटिंग मी? तो ये एक तरह से रेट्रोग्रेड स्टेप है कि नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या होना चाहिए, उधर का सामान यहाँ आ रहा है, यहाँ का सामान उधर जा रहा है। और ये तो हो गया 1980s और 1970s का बात हो गया, जहाँ पे तुम्हारा लाइसेंसिंग राज था, पूछ के आप ले रहे हो सरकार से, और करप्शन हो जाएगा यहाँ पे, रेंट सीकिंग हो जाएगा, रेंट सीकिंग पता है ना, फेवरेटिज्म वाला बात हो जाएगा, पैसा दे रहे हो तो अपना काम हो रहा है, गलत स्टेप है एज पर द ऑथर, ठीक है। आफ्टर सम पुश बैक फ्रॉम दोस इम्पैक्टेड, आप देखो बाद में बहुत ही ह्यू एंड क्राई मच गया,
ह्यू एंड क्राई मच गया इंडस्ट्री में, तो बाद में जाके बोला कि ये लागू होगा नवंबर 1 से, 2023 के नवंबर 1 से होगा, होने वाला था बहुत पहले ही, अभी होने वाला था, अब नवंबर 1 तारीख से ये लागू होगा, तो पुश कर दिया गया उस चीज़ को, समझे ना, विरोध हो गया ना उस चीज़ का, कि बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, आप ट्रांजिशन पीरियड भी नहीं दे रहे हो, अब कुछ वक्त दो तब तक हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी थोड़ा स्ट्रांग बना लें, इसलिए नवंबर 1 तारीख से ये लागू होगा ये सभी चीज़, ठीक है। अब देखो सरकार का भी दलील ठोस है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि सरकार का दलील ठीक नहीं है। अब तुम खुद समझो, बढ़िया समझो, कि जितने भी ये लैपटॉप है, पीसी है, टैबलेट है, सर्वर है, पिछले साल जो इंपोर्ट किए हम लगभग $8 बिलियन का किए थे, $8 बिलियन का, और उसमें 50% जो हम किए हैं वो चाइना से ही मंगवाए हैं, क्योंकि चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे हैं। तो भारत सरकार का ये मानना है कि हम ये जो कर रहे हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के रूप में कर रहे हैं, और जानते हो अभी तो पूरा दुनिया में ही ब्रैकेट खुल गया है इस चीज़ को लेके, कोई भी कंट्री इंपोर्ट कवर लगा देता है या नॉन टेरिफ बैरियर लगा देता है ये बोलते हुए कि नेशनल सिक्योरिटी का रीजन है, चाइना भी लगाया है ना, US भी लगाया है ना, हर कोई लगाता है, और इंडिया का ये जो इंडिया जो कर रहा है ना इसमें दम है, क्योंकि देखो चाइनीज सामान सब रहेगा, हमारा डेटा क्या होगा, स्टोर वो हो जाएगा, स्नैच हो जाएगा, तो वही भारत सरकार ने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का बात है, क्योंकि जो हार्डवेयर आ रहा है वो नॉन ट्रस्टेड सोर्सेस आ रहा है, वो चाइना को अटैक कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। और इसमें मान लो कि कोई भी सिक्योरिटी लूपहोल्स आ जाए तो हमारा जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है ना, जो इंटरप्राइजेस का डेटा है, वो सब चाइना में चला जाएगा, चाइना मैनिपुलेट कर देगा इस डेटा को, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारा नेशनल सिक्योरिटी का बात होगा, इसलिए हम नेशनल, अब देखो तो तुम लोग कहोगे कि सर इतना नेशनल सिक्योरिटी क्यों इन्वोक करता है स्टेट्स को, चाइना इसे, उससे पहले तुम्हारा US से, और अब इंडिया भी नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज को यूज़ कर रहा है ताकि इंपोर्ट नहीं करे बाहर से, तो ऐसा क्या रीज़न है, क्योंकि WTO में ये लिखा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी का बात होगा तो हम इंपोर्ट में वो कम कर सकते हैं, मगर जानते हो कि अब नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज भी एक तरह से वेग है, अब किसी कंट्री का जियोपॉलिटिक्स आपका गड़बड़ है उसके साथ, रिलेशन अच्छा नहीं है, तो आप नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज लगा कर देते हो, अब बताओ US नेशनल सिक्योरिटी क्या जरूरत है, US इतना एडवांस है, चलो इंडिया चलो एडवांस नहीं है, चाइना चलो एडवांस है, तो चाइना क्यों नेशनल क्लॉज लगाता है नेशनल सिक्योरिटी का, तो एक तरह से ये मतलब बहुत आसान बन गया है सब कंट्री के लिए कि नेशनल सिक्योरिटी का इन्वोक कर दो और इंपोर्ट कर दो, रोक दो। अब मैं देखो ये ठीक उल्टा है कि नहीं है ग्लोबलाइजेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन में क्या है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस पीपल है ना, FDI FPI यही होता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब, तो ठीक उल्टा चल रहा है। देखो अब यहाँ पे वही बोला है कि लाइसेंसिंग, इंपोर्ट पे लाइसेंसिंग करना या नेशनल सिक्योरिटी का बात हो रहा है, ये WTO का तुम्हारा रूल्स में है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या बोला, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, हाँ इसे WTO का जो रूल्स है उसको ब्रीच नहीं करता है, WTO परमिट करता है इस चीज़ को, यही कारण है कि US से चाइना इंडिया ऐसा कंट्री नेशनल सिक्योरिटी को इन्वोक करके इंपोर्ट है ना कम कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आगे देखो स्टूडेंट, अब जो जैसे कि मैंने कहा है तुम लोग को, देखो कोई एडिशनल टैरिफ नहीं लगा, इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर, समझे, ये टैरिफ है, टैक्स तो नहीं लगाया गया एक्स्ट्रा, ये नॉन टैरिफ बैरियर है, बिना टैक्स लगाए हुए आपने सामान को रोक दिया लाइसेंसिंग राज ला के, समझ गए, इसलिए ये नॉन टैरिफ बैरियर है स्टूडेंट, अभी तक कोई टैरिफ बैरियर नहीं लगाया गया है। और देखो जितने भी बड़े बड़े हमारे PC मेकर्स, पर्सनल कंप्यूटर मेकर है, जैसे डेल हो गया, HP हो गया, लेनोवो हो गया, सबका तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है इंडिया में, सबका है ना, यहाँ पे देखते हो दिल्ली में, हरियाणा में बहुत बड़ा प्रेजेंस है, समझ रहे हो ना। अब चाइनीज ब्रांड देखो वही बोल रहे हैं कि पिछले साल हम लोगों ने $8 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाया, उसमें देखो चाइना का कंट्रीब्यूशन $4 बिलियन है, अभी चाइना को ही उसने टारगेट किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा ना कि नॉन ट्रस्टेड सोर्स से मंगवाएंगे तो डेटा ब्रीच होने का चांस रहेगा, तो उसी के लिए किया गया है, तो वही बोला जा रहा है स्टूडेंट, बट ये जो भी है ये एक्सपेक्टेड लाइन में नहीं है, इसका नुकसान हमें ही भुगतना होगा, क्योंकि हमारा कंट्री में चाहिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉपुलेशन 140 करोड़ है, अभी देखो तुम्हारा महंगा हो जाएगा PC से, लैपटॉप सब महंगा हो जाएगा, जो 20,000 मिलेगा वो 25-30,000 हो जाएगा, चाइना से तो बहुत सस्ता में आ जाता है सब चीज़, तो कॉमन आदमी इसका रहेगा, उसको नुकसान होगा। आगे देखो स्टूडेंट, एक एग्जांपल देखते, एक सिमिलर एग्जांपल देते कि ऐसा हुआ था 2020 में भी, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है ना, एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था कि इसी तरह का सिमिलर लाइसेंसिंग वाला नॉर्म्स है ना कलर टेलीविजन सेट के लिए भी किया गया, जो अभी TV देखते हो ना 2020 में भी किया गया, कि जो भी TV बाहर से यदि आएगा इंपोर्ट करवाना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा, ठीक है, ये 2020 में भी हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि जो हम इंपोर्ट डिपेंडेंस थे बाहर से, उस समय हम 36% थे 2020 के पहले, और उसके बाद हम 0 हो गए, इसका मतलब पूरा इंडिया में ही बन रहा है, तो तुम कहोगे कि सर क्या बात करी, तो खुशी का बात था कि बाहर से एक भी TV नहीं आ रहा है, इंडिया में ही बन रहा है, तो बाबू जो इंडिया में जो बन रहा है ना
वो असेंबली करके बन रहा है। इंडिया में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, जैसे इंडिया में कोई चीप नहीं बन रहा है। हो क्या रहा है कि जो इंडिया का जो कंपनी है उसका टाई अप होगा दूसरे कंपनी से, दूसरा दुनिया का दूसरा जो बेस्ट कंपनी है उसे उसके साथ टाई अप होगा, और ये कुछ कुछ औजार मंगवा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवा रहा है, और यहाँ पे इंडिया में क्या किया जा रहा है, असेंबल कर दिया जा रहा है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं। और उसी में हम बोले कि सेल्फ रिलायंट हो गए, सेल्फ रिलायंट ऐसे थोड़ी होता है। सेल्फ रिलायंट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलपमेंट होना चाहिए, उसी में तो हम पीछे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि भले ही आप 36% से आप जीरो हो गए, मगर जितने भी ग्लोबल टीवी ब्रांड्स है उसका टाई अप है तुम्हारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, और ये सब क्या है बाबू, खाली असेंबली करता है, ये वैल्यू चेंज वैल्यू ये हाई वैल्यू एडिशन नहीं करता है, खाली सब मंगवाता है बाहर से और उसको असेंबली कर रहा है। यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ तो वो हमारा नुकसान ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम सामान इम्पोर्ट करवा रहे हैं और उसको असेंबली कर रहे हैं और टीवी बेच रहे हैं, तो ये भी तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं हुआ। हुआ वैल्यू एडिशन हुआ स्टूडेंट, वैल्यू एडिशन इसको थोड़ी बोलते हैं। तो हो सकता है ये सिमिलर स्क्रिप्ट तुम्हारा कहीं कंप्यूटर के साथ भी हो जाए, ठीक है। तो हमें अपना गलती से सीखना चाहिए, वही चीज़ बताया गया है। आगे देखो, तो इस तरह का जो लाइसेंसिंग राज है हमें याद दिलाता है 1991 का पहले का जो एरा था, वही 60s 70s 80s, जहाँ पर लाइसेंसिंग राज ने नाको दम करके रखा था ना, रेंट सीकिंग करप्शन है ना पूरा कर, वही बोल रहा है कि देखो लाइसेंसिंग ऑफर हुआ ये तो फिर रेंट सीकिंग हुआ, वही करप्शन वाला बात हो जाएगा कि किसी को ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं उसको डिपार्टमेंट में, तो वो फेवरेटिज्म कर रहा है कि जाओ भाई लाइसेंस तुम्हारा है। तो रेंट सीकिंग वाला काम, रेंट सीकिंग जानते हो ना, हमारे फेवर में काम हो उसके लिए हम करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, लेट्स कॉल रेंट सीकिंग, हाँ बताए थे तुम लोग को। और ऐसे तो बच्चे लोग कभी भी हम कोई भी कंट्री इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकता, वही असेंबली हो जाएगा फिर। अच्छा तुमको अब देखो, तुम लोग खुद सोचो, चलो ये तो चलो अपने जगह से, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम तुम लोग जानते हो, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम के हिसाब से क्या कि ताइवान भी कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, कुछ चाइना भी बनाएगा, कुछ US भी बनाएगा, कुछ ताइवान बनाएगा, कुछ ये कोरिया बनाएगा, साउथ कोरिया बनाएगा, कुछ जापान बनाएगा। तो कोई भी एक कंट्री सक्षम नहीं है कंप्लीट बनाने के लिए, इसलिए ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम होता है, कुछ कुछ बनाएगा। और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं बनाता है, तो यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसा इकोसिस्टम बनाए जहाँ पर एटलीस्ट 3-4 चीज़ हम बना सके इलेक्ट्रॉनिक्स का, और हम भी ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम से जुड़ जाए ताकि हमारा सामान दूसरे कंट्री में भी यूज़ हो, और तब जाके फाइनली तुम्हारा असेंबली हो बने जैसे कि चाइना में बनता है। आर यू गेटिंग मी? तो पहले हमें इस पर काम करना चाहिए एज पर द ऑथर। तो 4-5 आइटम हमको स्पेशलाइज होना चाहिए था, समझे? तो वही बोला कि कोई भी कंट्री ऐसे नहीं बन सकता बाबू, समझे? जो प्रोडक्शन तुम्हारा क्या है, पूरा स्प्लिट है, यानी ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। हाँ, कुछ कंट्री में 4 आइटम बन रहा है, कुछ कंट्री में दूसरा 4 आइटम बन रहा है, ऐसे करके बनता है, समझे? तो इंडिया को देखो स्टूडेंट, इंडिया को ना वही इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन सिस्टम में जुड़ना चाहिए, और इस तरह का जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन है कभी भी हमको सेल्फ रिलायंट नहीं बना सकता है। इसलिए पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहिए था, हमें 4-5 चीज़ हमको पहले बना लेना चाहिए था, तब इस तरह का रिस्ट्रिक्शन भी डालते तो नॉट बैड होता। अभी तो आप तो आपका गजब हो जाएगा, आप तो खाली सामान बाहर से मंगवाओगे, खाली रीअसेंबली कर दोगे, बोलोगे हमने बना लिया। अरे यही चीज़ तो मोबाइल फ़ोन के साथ भी हुआ है, जानते हो ना, मोदी जी भले ही बोले तुमको मोबाइल फ़ोन इतना बना दिया, बना थोड़ी रहा है, असेंबली कर रहा है वो। हमारा मोबाइल फ़ोन का इकोसिस्टम थोड़ी डेवलप्ड हुआ है कंट्री में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का तो पूरा मार्केट चाइना ही सब है। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो ना बात को? तो क्रिटिकल कंपोनेंट देखो इम्पोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट खाली तुम्हारा यहाँ पे असेंबल होगा, समझे? और लोकल देखो असेंबलर बस यहाँ पे वो असेंबली भी करेंगे ये लोग सब, तो ये भी दिक्कत है स्टूडेंट। तो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन टू बूस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री वेर इम्प्लीमेंट अर्लियर इन इंडिया, हम जानते हो कि पहले भी ये चीज़ हुआ था। अभी देखो जैसे एग्जांपल देखो, PLI स्कीम दिया जा रहा है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसके आधार पे बहुत पैसा दिया जा रहा है ना अलग अलग, और इम्पोर्ट कवर भी लगा रहे हो। मैं सबसे बड़ी बात है कि चलो तुम PLI दो, तो PLI में तो ये भी तो होना चाहिए कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ, खाली प्रोडक्शन के बेसिस पे दे रहे हो। देखो PLI का मतलब क्या, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, पहले 100 था अब 120 हुआ, तो 20 हुआ तो इंसेंटिव मिलेगा आपको। मैं केवल इतना ही नहीं होना चाहिए, उसमें और भी फैक्टर था कि याद करो तुम लोगों को पढ़ाया गया इकोनॉमिक्स में, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में जो क्रिटिक्स कहते हैं कि प्रोडक्शन तो हो ही, साथ में वैल्यू एडिशन कितना हुआ है और एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ है, ये आधार पे भी PLI स्कीम को आगे बढ़ाया जाए। भाई यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल असेंबली हो रहा है, उसी को तुम प्रोडक्शन बोल रहे हो, और एक तो तुमने इम्पोर्ट कवर लगा दिया,
तो तुम्हारा जो कम्पिटेटिव इकोनॉमी है वो कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे भी देखो 80s 90s में क्या स्थिति था हमारे कंट्री में, कि सामान बहुत महंगा था कि नहीं था इंडिया में बताओ। एक तुमको मोबाइल फ़ोन लेने में कितना पैसा लगता था यार, एक साल पहले ऑर्डर करोगे तो 2 साल बाद आएगा तुम्हारा कनेक्शन, प्रॉब्लम था ना। तो कहीं ना कहीं उधर उस रास्ते में हमें नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि हम पुराना एक्सपीरियंस हमारा बहुत बुरा है। आगे देखो सेंटर वही बोला कि सेंटर ने PLI स्कीम दिया लोकल मैन्युफैक्चर को ताकि तुम करो, 2021 में दिया था, इस बार फिर से रिलॉन्च किया गया उस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, 17,000 करोड़ दिया गया है, ठीक है, कि ताकि मैन्युफैक्चर कर पाए। मगर सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू एडिशन कितना होगा। तो राइट स्टेप क्या हो सकता है स्टूडेंट, कि भारत सरकार को ये जो पॉलिसी है इसको रिवर्स कर देना चाहिए, ठीक है। इस तरह लाइसेंसिंग वाला चीज़ बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करना चाहिए, और इनफैक्ट जो जियो पोलिटिकल कंडीशन है उसके हिसाब से भारत को काम करना चाहिए। तो क्या है जियो पोलिटिकल कंडीशन, जब चाइना 3 आइटम में बेस्ट है, जब ताइवान 4 आइटम में बेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो हम भी इस तरह का बनाएं, हम भी इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट करें। और देखो जियो पोलिटिक्स अभी वर्ल्ड का क्या है, फ्रेंड शोरिंग एंड री शोरिंग और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। जब चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी है तो भारत में वो इकोसिस्टम नहीं दोगे तो कहाँ आएगा। एक तो वियतनाम दे रहा है ना, हमें अट्रैक्ट करना होगा, उसके लिए बहुत सारे हर्डल्स हैं, लेबर लॉज हैं, लैंड लॉज है, लैंड पर रिफॉर्म्स लाना होगा, लेबर पर रिफॉर्म्स लाए तभी हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, तभी हमारा कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप हो पाएगा। हाँ अभी सेमीकंडक्टर में जो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है हमारा, सेमीकंडक्टर में फिर से कर रहे हैं ना, इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, बात समझे स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे काम करना होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना होगा, सप्लाई वैल्यू चेन सिस्टम हमें जुड़ना होगा, है ना, जो इनएडुकेटेड स्किल्स है स्किल्स को बढ़ाना होगा। ये जितना भी गैप है इस गैप में भारत सरकार को काम करना चाहिए, ना बल्कि लाइसेंसिंग लगा दिए। तो भाई पहले तुम इकोसिस्टम क्रिएट करो, उसके बाद आस्ते आस्ते रिस्ट्रिक्शन लगाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ गए। आगे देखो 292 GS 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT स्पेस कंप्यूटर रोबोटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हाँ ये 6 अगस्त को आया था स्टूडेंट, तो समझो मामला समझो, इसमें सब पॉइंट वाइज दिया गया है। अब जानते हो इस बार रिवील हो गया ये बिल, तो आप लोग क्योंकि पिछले बार जो पढ़े थे तो वो न्यूज़पेपर के सोर्सेज से पढ़े थे, अब ये रियल बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है उस आधार पर दिया गया कि इसमें है क्या एक्चुअल में। जानते हो डेटा प्रिंसिपल मतलब तुम और हम जिसका डेटा यूज़ किया जा रहा है, और डेटा फिड्यूशियरी भी जानते हो जैसे अमेजन हो गया, जैसे जो ट्रस्टी है। देखो डेटा फिड्यूशियरी का मतलब होता है ट्रस्टी वन। अब हम अपना डेटा दे रहे हैं अमेजन को, हम अपना डेटा दे रहे हैं फेसबुक को, इसलिए दे रहे हैं कि ताकि वो ट्रस्ट के रूप में काम कर सके और हम वॉयलेट ना करें। और एक डेटा प्रोसेसर भी होता है, डेटा प्रोसेसर मतलब थर्ड पार्टी। इधर ध्यान दो बच्चे लोग, ये तुम लोग को टर्मिनोलॉजी बताया गया था ना क्लास में। एक है तुम्हारा डेटा प्रोसेसर, डेटा प्रोसेसर का मतलब थर्ड पार्टी है जो डेटा फिड्यूशियरी देगा उसको, यानी कि अमेजन फ्लिपकार्ट फेसबुक है ना इंस्टाग्राम, ये देगा तुम्हारा डेटा प्रोसेसर को जो कि डेटा प्रोसेसिंग करेगा, उस हिसाब से प्रोफाइलिंग तैयार किया जाएगा कि लोगों का बिहेवियर क्या है एंड सो ऑन। समझ गया ना, याद आया ना उसी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, इसमें बोला गया कि जो डेटा प्रिंसिपल यानी कि हम जिसका डेटा यूज़ किया जा रहा है उसको पूरा राइट है कि वो डेटा फिड्यूशियरी से अमेजन से फेसबुक से जो उसको ट्रस्ट के रूप में काम कर रहा है उसका डेटा का, उसे वो पूछ सकता है कि कैसे उसका पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड हो। चलो ठीक है, श्री कृष्णा कमेटी ने भी यही बोला था, ये बात रखा गया है। एट द सेम टाइम कोई भी ग्रीवांसेस हो स्टूडेंट तो उसके लिए हमारे पास है ना, DP हैज़ द राइट टू आस्क फॉर आइडेंटिटी ऑफ ऑल, यानी कि डेटा फिड्यूशियरी किस तरह काम कर रहा है वो हम पूछ सकते हैं, पर्सनल डेटा कैसे प्रोसेस कर रहा है हम उसे पूछ सकते हैं। हाँ कुछ कुछ जगह पे एक्सेप्शनल है, 5 जगह पे एक्सेप्शन रख दिया गया, वही नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, इंश्योरेंस का मामला हो, तो उस समय डेटा फिड्यूशियरी। अब डेटा फिड्यूशियरी तो बच्चे लोग गवर्नमेंट भी तो हो सकता है, तो सबसे बड़ा क्रिटिक्स का जो टेंशन है वही है ना कि सरकार का तो ब्रैकेट बहुत बड़ा है वो 5 एक्सेप्शन का, तो उसका मिसयूज कर सकता है सरकार कभी भी, नंबर वन। सेकेंड देखो है ना, यूज़र कैन सीख, देखो अब यूज़र हमेशा यानी कि डेटा प्रिंसिपल हमेशा बोल सकता है करेक्ट करना कंप्लीट करना अपडेट करना अपने डेटा पर्सनल डेटा में, डेटा फिड्यूशियरी को बोल सकता है ना स्टूडेंट, पिछले बार भी पढ़े थे हम लोग। और ग्रीवांसेस का भी है वहाँ पे कि कोई भी ग्रीवांसेस हुआ तो ठीक है, और ग्रीवांसेस वो भी कर सकता है या फिर उसके बिहाफ में दूसरा कोई भी कर सकता है, जैसे मान लो कि किसी का डेथ हुआ और उसका डेटा से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है तो उसके बिहाफ में जो नॉमिनी रहेगा, नॉमिनी को मिलता है ना जैसे बहुत सारा, तो नॉमिनी भी अब उसका ग्रीवांसेस को ले सकता है अंडर क्लॉज 13 एंड क्लॉज 14, समझ गए ना। और पर्सनल डेटा देखो जो प्रोसेस्ड होगा स्टूडेंट किस चीज़ के लिए, रिसर्च के लिए होता है या फिर हिस्ट्री के लिए, आर्काइव के लिए मतलब स्टोर करने के लिए, या फिर डेटा प्रोसेस डेटा पर्पस के लिए स्टैटिक्स पर्पस के लिए होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ये कितना गजब का बात है कि जो भी पर्सनल डेटा आपका प्रोसेस होगा रिसर्च के लिए है ना, आर्काइव हिस्ट्री के लिए
या फिर स्टडी पर्पस के लिए, ये तुम्हारा क्या है, इस पर पूरा ब्रैकेट है, सरकार इसका मिसयूज कर देगा। अब यदि कोई बोल दे कि भारत में कितना जात लोग है, कितना अलग अलग जात रहता है, अब इस चीज़ को लेकर डेटा यूज़ करें तो सरकार तो कभी भी जात के साथ, तो सरकार को और भी बहुत कुछ पता चल जाएगा ना, मेरा इनकम क्या है, ये दुनिया भर का चीज़ क्या है, मेरा लाइफ स्टाइल है, तो मिसयूज़ कर सकता है। देखो पांच ग्राउंड है स्टूडेंट जहाँ पे बिल लागू नहीं होगा, यानी कि फाइव एक्सेप्शनल ग्राउंड्स है। ये फाइव एक्सेप्शनल ग्राउंड्स कितना बड़ा ब्रैकेट होगा सरकार के लिए, जहाँ पे आपका डेटा मैनिपुलेट किया जा सकता है। आर यू गेटिंग मी? आगे देखो, अब देखो यहाँ पे सिक्स नंबर में क्रिटिक्स ने इस चीज़ को बोला है कि यदि मान लो कि कोई भी, जैसे मान लो कि मैं डेटा प्रिंसिपल हूँ ना, अब मेरे साथ कुछ हुआ है प्रॉब्लम, मेरा ग्रीवांसेस है और हम फाइल कर रहे हैं, अब पता चला कि हम झूठ मूठ का फाइल करें तो हमको 10,000 का फाइन भी लग सकता है। तो अब ये तो बहुत जटिल चीज़ है, 10,000 लगा दिए, और तंत्र से लड़ना हमेशा मुश्किल चीज़ है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अधिक टाइम है कि हमारा जो केस है वो फ्रिवलेस होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कहाँ, अब 10,000 का तुमने फाइन लगा दिया, तो जो डेटा प्रिंसिपल के पास जो हिम्मत था अपने ग्रीवांसेस को आगे रखने का, वो हिम्मत भी टूट जाएगा। तो क्रिटिक्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि 10,000 क्यों लगाएं। हाँ, मगर सरकार भी अपने दलील पे है, सरकार ये बोलेगी नहीं तो अदरवाइज कोई भी डेटा फिड्यूशियरी के ऊपर इल्जाम लगा देगा फिर। तो सरकार का भी पक्ष अपना सही है और लोग का भी पक्ष अपना सही है, बात समझे। ये प्रॉब्लम है देखो कि 10,000 का पेनल्टी लगा दिए यदि कोई भी तरह का फ्रिवलेस ग्रीवेंस होगा, गलत ग्रीवांस होगा। तो अब उसमें देखो स्टूडेंट, इसमें डेटा बोला कि यूनियन गवर्नमेंट यदि ले, हाँ डेटा को ले, ठीक है, और यूज़ करे है ना इंस्ट्रूमेंटलिटी के लिए, मान लो कि पीडीएस देना है उसको, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देना है, सब्सिडी देना है, तो उसके लिए नो नहीं कर सकते हो तुम। देखो तो सरकार को तो बहुत बड़ा ब्रैकेट है, वो पीडीएस के नाम पे है ना, वो तुम्हारा सब्सिडी के नाम पे, उजाला योजना के नाम पे बहुत सारा डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है और राजनीतिक लाभ भी ले सकता है यहाँ से। देखो अब तुम खुद समझो कि आईटी एक्ट जानते हो ना, मेन आईटी एक्ट 2000 का, उसमें बहुत सारा क्लॉज को रिफॉर्म किया गया, एमेंड किया गया। एग्जांपल समझो जो सेक्शन 43A जो है आईटी एक्ट 2000 का, इसमें यह बताया गया कि कोई भी कॉरपोरेट, यदि कोई भी कॉरपोरेट कोई भी सेंसिटिव डेटा को ठीक से हैंडल नहीं करता तो उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है, पनिशमेंट लग सकता है, ये बात दिया गया है। मैं इस बार क्या हुआ कि एक क्लॉज 44 क्लॉज 2, समझे ना, क्लॉज 44 क्लॉज 2 जो है तुम्हारा, उसमें यह है कि स्टूडेंट की अब जो सेक्शन 43A ऑफ आईटी एक्ट वो लागू नहीं होगा, तो तुम कॉर्पोरेट को तो पूरा छूट दे दिया। पहले कॉर्पोरेट कुछ गलत करता था आपका पर्सनल डेटा के साथ तो उसके ऊपर पनिशमेंट होता था, अब इस बार बिल में एक नया क्लॉज ले आए हो कि कॉर्पोरेट यदि यूज़ कर रहा है तो नहीं होगा, तो भाई तुम कॉर्पोरेट को तो खुला छूट दे रहे हो ना, कॉर्पोरेट तो गलत यूज़ कर लेगा पर्सनल डेटा का तुम्हारा, तो ये इससे भी खुश नहीं है लोग क्रिटिक्स। और इनफैक्ट श्री कृष्णा कमेटी का जो था इसमें वो ये बात नहीं था, ये कुछ कुछ नया चीज़ ऐड कर दिया गवर्नमेंट ने, क्रिटिक्स इस चीज़ पे बरसे हैं कि गलत बात है। अब तो बताओ इंडिविजुअल तो अब ब्रीच हो जाएगा, कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले कॉर्पोरेट को देखो, कॉर्पोरेट को कितना, कॉर्पोरेट के ऊपर लगाम था ना पहले, अब ये लगाम खत्म हो गया। सिमिलरली देखो क्लॉज 44 क्लॉज 3 जो आया है स्टूडेंट, इसने अमेंड किया है सेक्शन 8 क्लॉज 1J को, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का है। अब एक तो देखो तुमने आईटी एक्ट 2000 को संशोधन किया गया, और दूसरा किसको संशोधन किया गया, आईटी एक्ट 2005 को किया गया। इसमें क्या है देखो, इसमें क्या है कि जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है जो आपका इन्फॉर्मेशन को देख रहा है, जैसे CIC है ना, कमीशन इन्फॉर्मेशन जो कमिश्नर है, जानते हो ना, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला जो होता है, पहले क्या था कि आप उसे इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, सही बात है ना, और अपना जो आपका जो इन्फॉर्मेशन इसके पास आया है तो वो लिमिटेड ही यूज़ कर सकता है उस चीज़ का, अब ऐसा कुछ ही नहीं है। अब पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वो आपका डेटा को बहुत तरीके से यूज़ कर सकता है, पहले बहुत कम रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में यूज़ कर सकता था, अब क्या है कि अब वो इन्फॉर्मेशन अब वो रख सकता है अपने पास, और आप बोलोगे तो आपका बात मानने वाला भी नहीं है, यूजर्स का बात भी नहीं। इसका मतलब आपने आईटी एक्ट 2000 में भी चेंज कर दिया, उसमें कॉर्पोरेट को आपने दे दिया, कॉर्पोरेट को इम्यूनिटी दे दिया, एट द सेम टाइम जो आपका केंद्र सरकार या राज्य सरकार का जो तंत्र था, ऑफिसर था, उसको भी खुला छूट दे दिया आपने, बात समझे। वही लिखा गया देखो कि प्रीवियसली क्वालिफायर्स एग्जिस्टेड विच नैरोड ऑफ द इन्फॉर्मेशन डेट कुड बी विथहोल्ड बाय द, यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो आपका इन्फॉर्मेशन रखता था वो बहुत कम रख सकता था, अब इस तरह का जो रिमूवल हो गया बिकॉज ऑफ द क्लॉज 44 क्लॉज 3 के वजह से, अब क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन कितना भी रख सकता है आपका,
बात समझे, आप इन्फॉर्मेशन रख सकते, पब्लिक का यूजर का इन्फॉर्मेशन रख सकता है। इन्फॉर्मेशन रखने का मतलब क्या हुआ, वो मैनिपुलेट कर देगा आपका इन्फॉर्मेशन, ये हो गया। तो देखो अब जितना भी बच्चे लोग पढ़े हो ठीक इसी का क्रिटिसाइज होगा, क्रिटिक्स का देखो आप क्रिटिसाइज करेंगे कि ये जो आप बोले कि फॉल्स ग्रीवांसेस होगा ये 10,000 पेनल्टी लगेगा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो डेटा प्रिंसिपल तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, उसको डर लगा रहेगा हमेशा कि कहीं हमारा ग्रीवांस फ्रिवोलस घोषित ना हो जाए, नंबर वन। नंबर टू देखो, अब इंडियन गवर्नमेंट अपने है ना अपने वेलफेयर स्कीम्स के लिए किसी का भी डेटा यूज़ कर सकता है, ये तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। जैसे देखो ना अभी जो हुआ ना टेलीग्राम चैनल में जो फेमस हो गया कोविन पोर्टल का आया था ना बहुत सारा डेटा, जान रहे हो ना स्टूडेंट तुम लोग, और SBI जो एम्प्लॉयज़ का लगभग 12,000 कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड तुम्हारा टेलीग्राम चैनल पे आ गया था। टेलीग्राम जान रहे हो ना, व्हाट्सअप का और टेलीग्राम, कोविन पोर्टल का भी बहुत सारा डेटा। कोविन पोर्टल किस लिए बना था, वैक्सीनेशन के लिए, कब देना है, किसको देना है, कितना दिया गया उसके लिए कोविन पोर्टल बना था। और दूसरा क्या है, SBI का एम्प्लॉयज़ का जो था ये बहुत सेंसिटिव डेटा है स्टूडेंट, ये डेटा टेलीग्राम चैनल में लीक हो गया, इसके लिए भारत सरकार को भी घेरा गया था ना कुछ दिन पहले। तो अब तो देखो जब कॉर्पोरेट के ऊपर तुमने हटा दिया, और सरकार को, अब सरकार वेलफेयर प्रोग्राम के लिए कुछ भी कर सकती है, भविष्य में यदि किसी का डेटा इस तरह लीक हो तो सरकार तो कुछ नहीं बोलने वाली है इसका मतलब, क्योंकि सरकार के ऊपर जो लगाम था वो तो खत्म ही हो गया लगभग, बात समझ रहे हो ना। तो क्रिटिक्स ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, और देखो तुमने अमेंड किया, हाँ IT एक्ट को अमेंड किया, तुमने RTI एक्ट को अमेंड किया, हाँ वेडेंस दो स्कोप फॉर विथहोल्डिंग, यानी कि इन्फॉर्मेशन आप उसको नहीं दिया जाएगा, हमें इन्फॉर्मेशन पब्लिक ऑफिसर ज़्यादा रख सकता है, लोगों को नहीं मिल सकता है, ये भी राइट स्पिरिट में नहीं है, समझ गए, ये सब तुम्हारा लूपहोल्स है इस एक्ट में। और आगे देखो इसमें क्या बोला है कि अब देखो ये भी गजब बात है ना, अब तुम लोग जानते हो कि थर्ड पार्टी को दिया जाता है आर्टिकल डेटा प्रोसेसर, अब कई बार ऐसा भी केस होगा स्टूडेंट कि यदि तुम्हारा डेटा फ्यूडिशरी डेटा प्रोसेसर को दे प्रोसेसिंग करने के लिए, तो हमारा इजाज़त का कोई ज़रूरत नहीं डेटा प्रिंसिपल का, ये तो वायलेट कर दिया आप। श्री कृष्णा कमेटी ने तो ये बात तो नहीं कहा था, श्री कृष्णा कमेटी ने ये बोला था कि यदि डेटा प्रोसेसर के पास जाएगा तो डेटा प्रिंसिपल को पता रहना चाहिए, ये बात आपको पता रहना चाहिए। मैं देखो इसमें बोला गया कि बहुत सारा ऐसा केस होगा वो पता नहीं चलेगा, तो ये भी गलत चीज़ है ना। और क्लॉज 7 तो देखो बहुत खतरनाक है, सर्टन लेजिटिमेट पर्पस, अब ये लेजिटिमेट पर्पस क्या होता है, लेजिटिमेट यूज़ क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे तो सरकार खेलेगी ब्रैकेट, ये भी प्रॉब्लम है। हाँ देखो इस बिल में पर्सनल डेटा क्या होता है और सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या होता है इस बीच में डिफरेंस नहीं है, जबकि श्री कृष्णा कमेटी में बहुत अच्छे से डिफरेंस था। जैसे पर्सनल सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या हो जाएगा, तुम्हारा आधार कार्ड, सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या हो जाएगा, तुम्हारा फिंगरप्रिंट, सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या हो जाएगा, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन, सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या हो, तुम्हारा कास्ट, तो इसमें डिफरेंस नहीं किया गया। पर्सनल डेटा मतलब क्या हुआ, जेंडर कौन सा जेंडर है, लड़का है लड़की है, क्या एज है, तो डिफरेंस नहीं किया गया, ये भी एक लकुना है इस बिल का, ठीक है। और दूसरी बात है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बना है, बना ना स्टूडेंट, और उसमें जो काम करेंगे सब ब्यूरोक्रेट्स काम करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजेगा उसको, तो कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर पाएगा, वो भी $1 million सवाल है। और देखो इतना ही नहीं स्टूडेंट, अब उसका ये भी नहीं है सैलरी अलाउंसेस क्या होगा, टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, वो भी अभी फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, वो आने वाले समय में फिक्स होगा, वो तो गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा, वो बाद में फिक्स होगा, वो बिल में शायद नहीं दिया गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, तुम लोग को मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, श्री कृष्णा कमेटी में ये बोला गया था ताकि दुरुपयोग ना हो इसलिए एक जुडिशियल ओवरसाइट भी होना चाहिए, ताकि हर समय चेक कर सके कि एग्जीक्यूटिव कहीं गलत तो यूज़ नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर जुडिशियल ओवरसाइट का भी कहीं पर जिक्र नहीं है, आर गेटिंग मी, तो कहने का मतलब जो श्री कृष्णा कमेटी का जो रिपोर्ट था उसका जो फाउंडेशन था उसने जो मेन चीज़ को रखा था, बहुत सारे चीज़ को डाइल्यूट कर दिया गया इस बिल में एज पर द क्रिटिक्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्रिटिक्स बोल रहे हैं, दैट्स इट।